बहुत समय पहले की बात है, जानवरों के राज्य में एक शेरनी रहती थी। वो बहुत ही सुंदर थी और उसका पति जंगल का राजा था। वो बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय था, पर वो खुद बहुत घमंडी थी। वो जंगल के किसी भी जानवर से बात ही नहीं करती थी। वहां बंदरों का एक झुंड था। नमस्ते शेरनी। पर उसने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। ये इतनी घमंडी क्यों है? मुझे नहीं पता। वो सोचती है हम लोग छोटे और कमजोर हैं। जब कभी भी उसे हमारी जरूरत होगी हम मदद नहीं करेंगे। एक दिन जब शेरनी सोकर उठी, उसने देखा कि उसके बच्चे गायब हैं। उसने उन सबको सब जगह ढूंढा, पर वो उसको कहीं नहीं मिले। अंधेरा होने लगा और उसकी चिंता बढ़ने लगी। वो बंदरों के पेड़ के पास गई और उन्हें पुकारने लगी। बंदर, ओ बंदर, क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है? वो रानी माँ, आप क्या आप हम लोगों से बात कर रहे हैं? हमको कुछ भी कैसे पता हो सकता है? इतने शोर से कुछ और भी जानवर वहाँ इकट्ठे हो गए। क्या आप मेरी मदद करेंगे? अरे नहीं रानी, मैं तो बिल्कुल बेकार जानवर हूँ। मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो भालू? तुमने मेरे बच्चों को देखा है? ये कैसे हो सकता है? क्या तुमने अपने बच्चों को मना नहीं किया था कि मेरे जैसे बदसूरत जानवर से दूर रहें? कोई भी, क्या किसी ने भी मेरे बच्चों को देखा है? नहीं रानी, आप हमसे और हम आपसे कोई मतलब नहीं रखते। ये सब सुनकर रानी रोने लगी। इसमें मेरी ही गलती है, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। मुझे माफ कर दो, मैंने नहीं समझा कि एक दोस्त का होना कितना जरूरी है। अपने घमंड के आगे मैंने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया और अब कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा। शेरनी को रोता देखकर सभी जानवरों को बहुत दुख हुआ। चिंता मत करो रानी, हम तुम्हारे बच्चे ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। हम तुम्हें ये महसूस करा देना चाहते थे कि हमें कितना बुरा लगता है। मैं समझ सकती हूँ, मुझे माफ कर दो। चलो सब मिलकर उन राजकुमारों को ढूंढते हैं। सब जानवरों ने मिलकर बच्चों को ढूंढना शुरू कर दिया। आखिरकार जिराफ ने बच्चों को ढूंढ निकाला। वो हिरण और कछुए के बच्चों के साथ खेलने में मगन थे। देखो ये बच्चे यहाँ पर हैं। माँ और बच्चों का मिलन हो ही गया। और फिर शेरनी ने कभी भी अपने दोस्तों का अपमान नहीं किया। शिक्षा: घमंड खुद के लिए भी हानिकारक है।